ओह माय गॉड, मोटू पतले नहीं है ये। सो हे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ में आपने रेजिन आर्ट के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। हाँ, मैं इसी रेजिन आर्ट की बात कर रही हूँ। लाइक दिस रेजिन हार्डनर, कैमरा में थोड़ा उल्टा पुल्टा दिख रहा है। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप ये परचेस कर सकते हो। तो अगर आप इसे समझ लेते हो ना, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। आपको जैसा लगता है ना कि रेजिन आर्ट तो बहुत डिफिकल्ट है, भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमें तो क्लासेस लेनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके 1, 2, 3 नहीं 10,000 रुपए बता सकती हूँ, और आई थिंक उससे ज्यादा, क्योंकि रेजिन क्लासेस का जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो हम मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं हूँ ना, आपकी छोटी वाली बोतल मिलेगी, एक बड़ी वाली बोतल मिलेगी, तो आप समझ जाना, छोटी बड़ी, मोटू पतले नहीं है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 पैकेट ऑर्डर किया है, ये देखो। सो हमारे पास है 2 टाइप के मोल्ड, जिसमें प्रॉपर राखी का शेप बना हुआ है। एक मोल्ड में हमारे पास स्वास्तिक, श्री, ओम जैसी चीजें लिखी हुई है, जिससे कि हम प्रॉपर राखी बना सकते हैं, और दूसरा में हमारे पास डिजाइन। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल मोल्ड, जिसमें हम राखी का प्लेट बना सकते हैं, और ये 8 इंच है, तो बहुत ही सही साइज है। इसके साइड में डिजाइन है, प्लेट नहीं है, तो हमारा प्लेट बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। रेजिन एड करने के लिए डिस्पोजल कप चाहिए और आइसक्रीम स्टिक। तो चलो पूरा पकड़ना स्टार्ट करते हैं। तो हार्डनर का डबल हमें रेजिन लेना है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके थिक कर लेना है। यहाँ पे राखी में मुझे थोड़ा ग्लिटर एड करना है, जिसके लिए मैं इसे 3 कप में डिवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसमें गोल्डन कलर का ग्लिटर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्वास्तिक वाली राखी बनाएंगे, जिसके लिए हमें स्वास्तिक बनाना है एकदम धीरे धीरे। इसे आप जितना स्लोली करोगे उतना ही बेटर रहेगा। और नेक्स्ट हम यहाँ पे ग्लिटर ऐड करेंगे रेड कलर का। ओह नो, यहाँ पे मेरे से ज्यादा ग्लिटर चला गया, तो इसमें थोड़ा और रेजिन मिक्स कर लेंगे, और इसे रफली हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमें जो सर्कल शेप मिला है, बस इसके अंदर ही डालना है। यहाँ पे शेप का आपको पता चल जाएगा अगर आपके पास मोल्ड है तो। सेम प्रोसेस को फॉलो करके हमें और भी ग्लिटर डाल के बना लेना है। हमारे पास रेजिन का ट्रांसपेरेंट मिक्सर रखा हुआ था, हम इसे ऊपर से डाल देंगे, एंड हमारा रेजिन रेडी है। इसे आपको 24 घंटे के लिए छोड़ना है, और हमारा ये रेजिन हार्ड होके ऐसा निकलेगा। ये सारे आराम से मोल्ड से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा डिजाइन वाला मैंने बनाया था 2, तो इसे भी हम निकाल के देख लेंगे, बहुत सही है। तो चलो फटाक से थ्रेड लेके हम इसे राखी बना लेते हैं। हमें यहाँ पे 2 होल मिले हैं, थ्रेड डाल के नॉट टाई कर लेना है। दोनों साइड से थ्रेड डालने के बाद इसमें हम वायर की हेल्प से कुछ बीट्स भी ऐड कर देंगे, जिससे कि ये प्रॉपर राखी लगे। इस तरह से हम फोटो वाले, नेम वाले, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तो हमें दोनों साइड से बीट्स इंसर्ट करने के बाद इसमें नॉट टाई कर देना है, जिससे कि बीट्स बिल्कुल भी ना निकले, एंड हमारी ब्यूटीफुल स्वास्तिक वाली राखी रेडी है। इसी तरह से मैंने ओम वाली भी राखी बनाई है, और मैंने जितना सारा शेप बनाया है सबका मैं कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी ही। मजा आ गया। आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जब मैं इस चीज को निकाल रही थी ना, मोल्ड से निकाल रही थी, तो मुझे मजा आ गया था। बस वही मेरा फेवरेट पार्ट, मेरी अभी की फेवरेट राखी बन चुकी है, क्योंकि ये एक तो छोटी क्यूट है, प्यारी सी है, छोटी सी है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्वास्तिक बना हुआ है। टक 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 टक, ये फोटो वाली राखी तो आपने बहुत सारी मेरी वीडियो में देख रखी है, लेकिन अगर आपको रेजिन में फोटो वाली राखी चाहिए, तो जल्दी से आप मेरे को कमेंट में बता दो कि आपको रेजिन में फोटो वाली राखी चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।